दोस्तों, आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ये बड़ा ही सीक्रेट है और समझने का प्रयास कीजिएगा, शायद आपको मिला हो या लाभ या ना मिला हो। तो पूरी बात ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि मैं आज बोल के रहा हूँ। दोस्तों, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो वैक्सीनेटर हैं, सहायक हैं, या एक आम आदमी है, या फिर जनता है, जनार्दन है, जो भी है, मतलब हर एक व्यक्ति है, चाहे आप पढ़े हो लिखे हो ना पढ़े लिखे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, आपको पता होगा कि 3 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन रहेगा और सबको तकलीफ़ है। उसमें सरकार की तरफ से कुछ सहायता मिला है, शायद आपके गांव में, आपके शहर में ना मिला हो। तो क्या क्या है, मैं उसी के बारे में आज बात करने वाला हूं। और अफवाह तो बहुत लोग फैला रहे हैं कि ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिल रहा है, वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो आपको बता रहा हूं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, हर एक जगह पे, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में, मैं यूपी का ही रहने वाला हूं, हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे गाँव में चावल जो है बांटा गया है आपके राशन कार्ड के माध्यम से। जितने भी यूनिट है उसमें, मतलब पैसे नहीं लगा है आपको, जितने भी यूनिट है प्रति यूनिट के 5 किलो के हिसाब से चावल बांटा गया है। कुछ जगहों पे गांव के लोग जो प्रधान हैं वो साबुन, तेल, दाल वो बांट रहे हैं। ये नए लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, पिछले जो पुराना लॉकडाउन जो हुआ था 21 दिन के लिए उसमें तो बांटा ही गया, लेकिन जो नए लॉकडाउन है उनमें जो है दाल, साबुन, तेल गांव के प्रधान अपने तरफ से बांट रहे हैं, ठीक है। और कुछ जगहों पे चावल जो है वो फ्री मिल रहा है, 5 किलो चावल जो मैं अभी आपको बताया हूँ जो कोटेदार लोग देते हैं वो मिल रहा है, 5 किलो सरकार की तरफ से आया हुआ है, 1 यूनिट पे 5 किलो। और जैसा कि आपको पता है कि महिलाओं के अकाउंट में 500-500 रुपये का सहयोग जो है आया हुआ है, और आप अपने फैमिली में आप पूछ लीजिएगा, चेक करवा लीजिएगा आया है कि नहीं आया है। और अगर नहीं आया तो उसके लिए क्या करना होगा, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, अपना पूरा नाम एड्रेस पूरा उसमें लिख करके और कमेंट कीजिएगा कि मैं यहाँ से हूँ और मेरा आया है नहीं आया है, आप कमेंट कीजिएगा, तभी मेरे को पता लगेगा, ठीक है। तो उसमें मैं जो भी हेल्प होगा, कैसे निकालता है, मतलब निकालना है, कैसे आएगा, उसके लिए हम कोई समाधान होगा तो आपको ज़रूर बताएँगे। और उम्मीद करता हूँ कि लॉकडाउन आप अच्छे तरीके से निभा रहे होंगे, ठीक है। आप घरों में रहिएगा, क्योंकि जब तक हम लोग घर में नहीं रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे, ठीक है। तो बस इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन था, मैंने सोचा भाई लोगों को दे दूँ। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्त सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी जाके कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।